जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। किसानों को आंदोलन में बैठे हुए 7 महीने 3 हफ्ते और पूरे 1 दिन हो चुके हैं। वो आज भी अपने उसी जगह पे टिके हैं और रोजाना इतने सारे लोगों के लिए खाना बनता है। तो चलिए आज आपको लेके चलेंगे सिंघू बॉर्डर पे और दिखाएंगे इंडियाज का मेगा किचन। तो चलिए चलते हैं। ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਊਡਲ ਜਾਂ ਬਿਜਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਜੋ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ? ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖੜਾ। और जैसे हमारी मीडिया इनको कवर नहीं कर रही है, हम जैसे को आगे आना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब लोग हमें ही गलत बोलेंगे, हमें पता है, पर आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब जिहड़ा गोदी मीडिया उन्होंने जिहड़े बैठे आ इत्थे, जिन्ने भी किसान बैठे आ, उन्होंने तो सारे अतवादी आ, पर ये अतवादी नहीं, असीं अपने हकां दे खातर अपनी जिहड़ी जमीर दी आवाज आ उह इत्थे बुलंद कर रहे आ। असीं किसे दे किसे नूं भी दुख परेशानी नहीं दे सकदे। सिर्फ साडा जिहड़ा पेचा वा सिर्फ सेंटर सरकार दे नाल, मोदी दे नाल। और यहाँ पे पकोड़े और चाय का लंगर चलता है, और कितने बजे सुबह चालू हो जाता है? 6 बजे चालू कर देते हैं। अच्छा, ये सारे मिक्स पकोड़े होते हैं? ये गोभी वाले पकोड़े आज। अच्छा अच्छा, कल को फिंगर बनेंगे आलू वाले। और सारे दिन अलग अलग होते हैं? और यहाँ पे चाय बनती रहती है, कितनी बार चाय बन जाती होगी बीजी? सुबह सुबह ही पूरा दूध चलाइदा, चाय पानी थोड़ा घटे होना। ओके जी, जैसे कि आप चाय भी दे सकते हैं, जैसे हमारे घर पे चाय नहीं बनती, बिल्कुल वैसी चाय आपको यहाँ पे मिलेगी। सेवा कर रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह सारे लोग बिना स्वार्थ के, सिर्फ एक ही मोटिव है जो हम सबको पता है और लोग अनदेखा कर रहे हैं। तो चलिए इनकी तरफ बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कि सेवा कैसे चल रही है। अच्छा, आज गोभी वाले हैं। ओके जी, और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह 6 बजे तक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सेवा चल रही है। और सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, अपने आप चाय ले। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिसिन का भी लंगर चल रहा है, और यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे सब्जियाँ काट रहे हैं। चलिए आपको किचन की तरफ भी लेके चलते हैं। यहाँ पे बनने जा रहा है जी, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पराठा बनने जा रहा है, रोटी भी नहीं पराठा बनने जा रहा है। तो ये बड़ा पराठा बनाने की क्या वजह है, बताएंगे जरा एक बारी? पराठा इतना बड़ा बनाने की ये वजह है कि इतनी संगत को छोटी पराठे से सत्ता नहीं है, बड़े पराठे से पूरे आता है। ओके जी, तो फिर इसकी कटिंग कर दी जाती है? ये देखिए जी, यहाँ पे बिल चुका है इतना बड़ा पराठा, गोभी वाला, वो भी ये देखिए जी, ये और अब इसके ऊपर घी लगा दिया जाएगा। देसी घी है? हाँ जी, हाँ जी। ओए होए जी, देखिए जी, गुरु दा लंगर है, और यहाँ पे चीज भी आपको प्योर मिलेगी। हाँ जी। और ये यहाँ पे माता जी ने पलट दिया। कम से कम कितने फीट का होगा ये? कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं। ओके जी, जितना बड़ा बन जाए। ये देखिए जी, 24 घंटे ये लंगर चलता है। 24 घंटे लंगर चलता है। ये आपने कहीं बनाना सीखा इतना बड़ा पराठा, या बनाते बनाते आ गया? बनाते बनाते ही आ गया बस। ओके जी, ये देखिए इतना बड़ा आकार देना एक पराठे को, उसमें ये कला है। और अब ये जाएगा जी तवे पे। ये देखिए जी, इसकी कटिंग कर दी जाती है? हाँ जी। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कटिंग करते जाते हैं यहाँ पे, और कपड़े के अंदर रखते हैं ताकि गर्मा गर्म रहे। सुबह कितने बजे आप पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं? 4 बजे। सुबह सुबह 4 बजे? 4 बजे। और ये यहाँ पे बन रही है लंगर वाली दाल।
रोजाना कितनी बनती होगी वीर जी? ये दाल दो पतीले सब्जी। अच्छा जी, दो पतीले चौल। ओके जी, ये डेली का है। एक बारी दाल की रंगत दिखाना मेरे को। ये देखिए, ये है यहाँ पे दाल की रंगत। और सामने खड़ो, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और ज्यादा हाई क्वांटिटी में बनता है। और वहाँ पे क्या बना रहे हो अभी आप? यहाँ बना रहे हैं गोभी, आलू, गाजर, मटर, मिक्स वेज बना रहे हैं। और ये लग गया जी तड़का, जीरा डाला है? हाँ जी। ये देखिए जी, इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। कम से कम 3 घंटे लगते वीर जी बनने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंधु बॉर्डर की तरफ, और भी चीजें दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे 3 घंटे। तो हमने कहा जी हम भी थोड़ा लंगर चख लें यहाँ पे। और ये मिक्स रायता है, और जी यहाँ पे पराठा, रुमाली पराठा रख दीजिए ऊपर। हमने कहा थोड़ा सा हम भी लंगर चख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए रुमाली पराठा है यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में, और गुरु का लंगर है। तो इसको कोई जज नहीं कर सकता कि कैसा बना है।